काठगोला बागानवाड़ी। ये जगह न सिर्फ अपने शानदार महल और बागीचों के लिए मशहूर है बल्कि इतिहास की कई कहानियां भी समेटे हुए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बलियापुर ब्लॉग्स में। आज हम मुर्शिदाबाद के खास और ऐतिहासिक स्थल काठगोला में है। ये जगह अपनी ऐतिहासिक भव्यता और खूबसूरत वास्तुकला के लिए मशहूर है। तो चलिए इस शानदार जगह की कहानी को जानते हैं और इसके हर कोने को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। एक अलग ही एक्साइटमेंट लेवल है इस जगह को एक्सप्लोर करने की, तो आप बने रहे मेरे साथ। बहुत ही खूबसूरत जगह है ये। काठगोला पैलेस, जिसे काठगोला बागानवाड़ी भी कहा जाता है, जिसे 18वीं शताब्दी में एक समृद्ध जैन परिवार द्वारा बनवाया गया था। यह न केवल उनका विश्राम स्थल था बल्कि व्यापारिक गतिविधियों का भी एक केंद्र था। इस महल की वास्तुकलाएं भारतीय और यूरोपीय शैली का अद्भुत संगम है। यह पैलेस सिर्फ अपनी वास्तुकला के लिए नहीं बल्कि यहाँ के ऐतिहासिक किस्सों के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है इस जगह पर व्यापारिक समझौते किए जाते थे, जो मुर्शिदाबाद को बंगाल का व्यापारिक केंद्र बनाता था। इसके अलावा नवाज सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच व्यापारिक राजनीति में काठगोला ने अहम भूमिका निभाई थी। यहाँ के खजाने और सोने चांदी के भंडार की कहानी आज भी सुनने को मिलती है। काठगोला सिर्फ महल तक सीमित नहीं है, यहाँ के बागीचे बहुत सुंदर है और शांतिपूर्ण वातावरण देता है। दोस्तों, जितना सुना था इस जगह के बारे में उससे कई ज्यादा खूबसूरत है ये जगह। कभी आपको भी समय मिले तो जरूर इस जगह को विजिट करें, एक अलग ही सुकून मिलेगी यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए यहाँ का व्यू, और यहाँ पे आम बगान बहुत ज्यादा है। देखिए आप देख सकते हैं कितना सामने सामने आम, जैसे कि आपको दिख रहा होगा तो पता नहीं, बट यहाँ पे देखिए कितने सामने सामने आम। इसे मैं छाँव और हाथ से ही पकड़ सकता हूँ। और आगे एक छोटा सा जू है, वो चिड़िया वगैरह है, तो वो भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वहाँ पे सेल में वो बंद है तो ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा, बट फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ दिखाने का आपको। असम जगह है, माइंड फ्रेश हो गया। देखिए यहाँ पे ब्यूटी देखिए कितना अच्छा। दोस्तों, अभी मैं काठगोला बागानवाड़ी के चिड़ियाघर में हूँ। यहाँ विभिन्न तरह की पक्षियाँ हैं जिसे मैं आपको दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ, तो दोस्तों आप बने रहें मेरे साथ। यहाँ शाम का नजारा ही अलग होता है। जब सूर्य ढलता है और सूर्य की रोशनी महल की दीवारों पर पड़ती है तो ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये ऐतिहासिक यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिलचस्प स्थानों की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई जगह और नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।